हेलो भाई, आ गया अभी, आ गया नौसी भाई, आ गया तो फैमिली के साथ 4 फरवरी और 5 फरवरी का यार यहाँ पे बनाने के लिए, घूमने के लिए कैसा आया का माहौल। चौधरी भाई बताओ इसका क्या प्राइस है? और 500 रुपये। तो फाइनली भाई हमने गन्ने का रस ले लिया है, गन्ने का रस पीते हैं, मैंने अपना दोस्त पकड़ लिया। क्या बात है भाई, ओली भाई चलिए। जय माता दी। आ गया अभी, आ गया नौसी भाई, आ गया। तो नौसी भाई आया है 4 फरवरी माता जयंती देवी के दरबार में, और माता जयंती देवी के दरबार में तो कहते हैं सब आओ भाई, बहुत ज़्यादा रौनकें हैं और छा रही है, रौनकें छाती जा रही है जैसे जैसे दिन होता जा रहा है। और हम 12 बज गए हैं और यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और मेरे साथ यहाँ पे जो आए मैं अभी उनसे भी मिलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाऊँगा ओली भाई से। तो ओली भाई की बात करी जाए, ओली भाई अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं और चौधरी साहब अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मैं अभी इन दोनों से भी मिलाऊँगा और आपको दिखा देता हूँ पार्किंग के क्या हालात हैं। ये देखो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर पार्किंग बढ़ते जा रही है, देख रहे हो दुकानें भी सज चुकी हैं। तो बस चलते हैं, मैं आपको अभी अपने चौधरी भाई से मिलाता हूँ। तो सबसे पहले बस चौधरी भाई का अभी ब्लॉग बना रहे हैं, वो जैसे वो फ्री होते हैं मैं आपको चौधरी भाई से भी मिलाता हूँ। और बात करी जाए मैं चौधरी भाई की, भाई बड़े दिन बाद मौका मिला है इनके साथ एक वीडियो बनाने का, बहुत कम टाइम देते हैं। तो ये हमारे चौधरी भाई हैं, कैसे भाई? भाई लोग यार, तो यार आप भी यहाँ पे मेले में आके यार अपना एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। 4 फरवरी और 5 फरवरी का यार यहाँ पे मेला है और हर साल लगता है, और जो माता के भक्त हैं यार वो काफ़ी पीछे से ही लंगर सेवा करते हैं, अपना चाय और ब्रेड पकौड़े और गन्ने का जूस वगैरह आप स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग वगैरह आपको मिल जाएगी। और कल तो यार आपको काफ़ी रश मिलेगा, हम देखते हैं अगर मंदिर गए तो आपको वो भी दिखाएंगे, नहीं तो रश बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लेट हो गए हैं। तो चलते हैं यार, तो चलते हैं भाई, चौधरी भाई से मैंने आपको मिलाया। तो चौधरी भाई चलिए, चलो भाई चलते हैं। थार कहाँ खड़ी है? थार मरी है खड़ी है भाई। तो भाई मैं अभी आपको ओली भाई से मिलाता हूँ, ओली भाई फ्री हो गए हैं। तो ये हमारे ओली भाई, ओली भाई मुस्कुरा बहुत रहा, क्या हेलो हेलो एवरीवन। तो चलें, चलते हैं। कुछ बोलना चाहोगे? देखा थे आज हम तीनों दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, घूमने के लिए, कैसा है यहाँ का माहौल आप लोगों को दिखाएंगे, अभी वीडियो में बने रहना इंड तक। चले चौधरी भाई, चलो। वो हमारी थार है भाई जो देख रहे हो आप, आए थे साइकिल से लेकिन यहाँ थार बदल ली हमने, साइकिल बदल ली थार से आ गए। चलते हैं, ये देखो पार्किंग है, ये पार्किंग है भाई जो आप देख रहे हो। तो बस ब्लॉग के साथ में मेरे ना आज का ब्लॉग है ना जो बहुत दमदार है। तो भाई जयंती देवी जब हम आए थे ना, आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ना टेडी बियर दिखते हुए दिखेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको टेडी बियर के रेट दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या रेट है। तो ये हमारे भाई ने यहाँ पे शॉप खोली हुई है, तो भाई आप टेडी बियर के रेट बताओगे, इसका क्या प्राइस है? इसका 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। और इनके ये जो लग रखे हैं 2500 रुपये का है। 2500 का है, और ये आगे ये वाला भी 2000 का। अच्छा, ये फिक्स रेट है ऊपर के? अच्छा अच्छा, और ये जो बाकी इधर लगा रखे हैं? अच्छा, और ये नीचे वाले? ये 250 रुपये की जोड़ी है, किलो की। अच्छा 250 की है, और ये 500 रुपये का है। 500 का है, अच्छा अच्छा, ये 250 रुपये का है। आपकी कहीं शॉप भी है अपनी? ओमैक्स होटल के पास लगाते हैं। ओमैक्स होटल के पास, ये मेले करके यहाँ लगाई आपने? तो कुछ नाम भी आपकी शॉप का वहाँ? शॉप का नाम तो यार रोड के पास है। चलो ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? ठीक है। गन्ने का रस पियेंगे सबसे पहले, आपको एंट्री पॉइंट पे गन्ने का रस मिलेगा आपको। तो चले भाई, आज दिखाएंगे हम आपको गन्ने का रस का स्वादिष्ट है भाई, और सालाना फेस्टिवल है भाई ये, फेस्टिवल का गन्ने का बोलो, फेस्टिवल बोलो, बात ही है। तो हम आए हुए भाई, पहली बार तीनों आए हैं और स्पेशल छुट्टी लेके आए हुए हैं, तो बस चलते हैं। अब आपको भी गन्ने का रस पीने का मन करें तो आपको हम वीडियो भेज ही रहे हैं, पी लेना गोरा गन्ने का रस वहाँ। मेरा भाई चलते हैं, ऑटो वाले भाई काफी मेरा गाड़ में मेरा दिया काफी गाड़ कर ली रास्ता का जाए कभी। तो फाइनली भाई हमने गन्ने का रस ले लिया है, तो अनुज भाई टेस्ट करें कैसा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई? मैं भी गन्ने का रस टेस्ट कर लेता हूँ कैसा है पीने में, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई गन्ने का रस पी के। और हमारा ओली भाई पता नहीं कहाँ घूम हो जाता है, ये रहा ओली भाई। ओली भाई गन्ने का रस कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ओली भाई शर्मा रहे हैं गन्ने का रस पीते हुए। तो अनुज भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ गया, थोड़ा सा हो गया।
भाई फाइनली हम मेले के अंदर एंटर कर चुके हैं, आपको दिखाते हैं आपको यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको दिखाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ ना दुकानें लगी हुई हैं, देखो इस तरफ भी भाई दुकानें लगी हुई हैं, इस तरफ भी दुकानें लगी हुई हैं और ये बीच में हम चल रहे हैं। Thank you.
गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म दूध से गर्मा गर्म पकौड़े। तो फाइनली हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे पहुंचने से पहले कितनी रौनक है यहां पे। तो भाई अब हम मंदिर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने जूते उतारेंगे और जूते उतारने के बाद हम प्रसाद लेंगे और मंदिर जाएंगे। तो बने रहना ब्लॉग के साथ, चलते हैं मेरे भाइयों। तो भाई आप देख रहे हो और हमने जाना है वो ऊपर ऊंचाई पे, पूरा माता जयंती देवी का मंदिर, और हमने वहाँ जाना है और ये रही सीढ़ियाँ। तो चलते हैं भाई ब्लॉग के साथ। भाई चलिए, क्या बात है भाई, ओली भाई चलिए, चलो भाई चलते। चौधरी भाई जय माता दी, माता के दरबार में चल पड़े भाई। जय माता दी, जय माता दी। अपना होली भाई फोन चला रहा। भाई अब हम कुश्ती के मैदान में आ गए, दंगल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बढ़ते जा रही है देखो। तो हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यही ख़त्म होता है। माता मनसा देवी नहीं, माता जयंती देवी के दरबार में हमने मत्था टेका और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे अनुज भाई, बहुत मज़ा आया, आप भी आओ माता के दर्शन करो, लंगर खाओ और घूमो फिरो, मेले में आप इंजॉय करो, बहुत बढ़िया है। और कल भी है, कल संडे को लास्ट है भाई, वहाँ पे भी आप आ सकते हो, अपना इंजॉय कर सकते हो यार फैमिली के साथ, तो ज़रूर आओ भाई। जय माता दी भाई, फैमिली के साथ आओ और हो सके तो यार जिनकी शादी हुई है वो भी अपनी बीवियाँ लाओ, माता के दर्शन कराओ। ओली भाई तुमने कुछ बोलोगे? बहुत मज़ा आया, मज़ा आया, आप भी आ जाओ, कल लास्ट डे है। अच्छा अच्छा, बढ़िया होएगा, बहुत इंजॉय करो आप। तो भाई मैं तो ना गला ख़राब हो गया था, दवाई भी ली वहाँ पे ना, डिस्पेंसरी टाइप उन्होंने बना रखा है, निःशुल्क है मेरे भाई। अगर गला बुखार तबीयत ख़राब होती है यहाँ पे कैंप लग रखा है, उसका भी इलाज होता है, देंगे। दो दिन लगा हुआ है, पूरा आना, दवाइयाँ लेना, खाना पीना, माता के दर्शन करना और घर चले जाना। जरूरी नहीं है कि यहीं पर टिका के सब पूरे जाना। मैं अपनी साइकिल दिखाता हूँ, ये है मेरी बाइक जिस बाइक पे हम आए थे, और ये है मेरे अनुज भाई की बाइक। तो बस चलते हैं भाई, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छा ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए, तो बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ। ओके ओके।